देवरिया सदर कोतवाली में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को चाकू से हमला कर हमलावर फरार हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब ये कैसे हुआ है, घटना क्या बता रहे हैं लोग? हमको सुनने में आया है कि वो मझगावा बैंक पे गया था खाता खुलवाने के लिए, और खाता खुलवा के मझगावा बैंक से आ रहा था घर पे। तब तक दुबौली के पास सरौरा के नजदीक ये लोग पीछे से आके चाकू लेकर हमला कर दिए, और ये अपना जान बचाने के लिए भट्ठे की तरफ भागा, जहाँ पे इसको जाके चाकू से इसके ऊपर मार करने लगे। किसी तरह से मतलब ये बहुत अपने को बचाने की कोशिश किया, लेकिन चार पांच लोग थे मार के और इसको भट्ठे पर फेंक दिए। उसके बाद से लोग देखे, सूचना दिए गांव से सारे लोग गए और उसको सरकारी हॉस्पिटल के लिए लाए, जिसमें उसकी हालत काफी गंभीर है, जान भी जा सकती है। तो क्या बता रहे हैं लोग, मतलब कोई पुराना दुश्मनी में था किसी से? पुराना दुश्मनी तो हमको पता नहीं है, लेकिन मतलब सिर्फ जितना पता है उतना हम बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेश कुमार चौहान, मोहनी देही का ही रहने वाला हूँ। सर, एक चाकू लगा हुआ व्यक्ति आज क्या स्थिति है उसकी? स्थिति गंभीर थी, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया है। रंजीत कुमार नाम था, उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया प्राइमरी ट्रीटमेंट।